तीन तारीख को पटनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पामा एक जगह पामा धमोरी उसके बीच में एक सीएससी संचालक से लूट का मामला प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें लूट की राशि 1,68,000 के लगभग बताई गई थी। इस कांड के त्वरित उद्भेदन के लिए एसडीपी सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी, जिसमें पटनगर प्रभारी अजीत तथा कांड के अनुसंधानक एवं उनकी पूरी टीम थी। इस केस में बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त हुई 24 घंटे के अंदर। 4 तारीख को इसमें दो लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई, जिसमें एक का नाम नीरज था, एक का नाम राहुल था। दोनों ही गिरफ्तार व्यक्तियों के पास से लूटी गई राशि में से 45,000 की लगभग राशि बरामद की गई। घटना में जो दोनों बाइक चोरी की गई उन दोनों बाइक की भी रिकवरी की गई। इसके अलावा उक्त दोनों अपराधकर्मियों के पास से 1 अवैध हथियार और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है तथा 1 मोबाइल भी बरामद किया गया है। और इसमें 2 व्यक्ति अभी गिरफ्तारी के लिए शेष बचे हुए हैं, जिनके छापे जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।